फ्लरी, गुड मॉर्निंग फ्लरी, क्यों क्या? गुड मॉर्निंग क्यों क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन शांतिनिकेतन। वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी टुडे। अभी इसलिए हम लोग आज प्लान किए हैं कि सुबह उठेंगे उसी वाले बालकनी टेरेस पर बैठ के हम लोग पियेंगे चाय। तो यहाँ पे पूरा हमारा चाय का सेटअप हो चुका है, अभी बस इंतज़ार चल रहा है बुम्बा का। पापा यहाँ पे बैठ गए हैं, पापा वैसे भी रोज सुबह यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पे दीपांजन, फ्लारी एंड क्यू क्यू भी चाय के अड्डे पे बैठी है। हाँ मम्मा, इधर के एशो 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 एशो। Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help. Flaru and QQ, what are you guys doing? Eh? What are you both sniffing? Krish ne pee kar diya hai kya? We watch the sun go down over the same old town. Like so many times before, we look at the same old stars, battle the same old wars. Like so many times before, and I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. These two are having super fun. Flurry का तो ऐसे ही आदत है, जब भी वॉक पे निकलती है सिर्फ स्नीफ कर दिए थे। तो यहाँ पे तो सब कुछ ही नया, हर एक कोना नया, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाए। प्रशंजीत इज एनग्रॉस्ड इन टेकिंग पिक्चर्स। ऑफ कोर्स दिस प्लेस इज वेरी वेरी फोटोजेनिक, सो दिस इज ऑल वर्थ। कियारा कोशिश भी मत करना, एक उसको एक्चुअली बुम्बा के पास जाना है। हम लोग दोनों के साथ में घूम रहे हैं। द रीज़न इज़ यहाँ पे ये जो लोटस पॉन्ड है इसके लिए। फ्लारू, कियारा कम बैक, चलो कियारा, क्यों क्यों चले शो, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, ओई दिखे खेलो। हो गया है, प्यास लग गया है दोनों को, चलते स्टेप पे से है ना। चाय पी के नहा धो के आई एम रेडी। हम कुछ देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। फिलहाल क्यूटी पाइज आर वेटिंग फॉर देयर ब्रेकफास्ट, है ना बाबा। सो फ्लरी एंड कियारा दे विल हैव चिकन एंड कैरेट, जैसे घर पे खाती है वैसे ही। के खाबे, के खाबे। 9:25 इज द टाइम, हम लोग 11 बजे तक निकलेंगे, यही प्लानिंग है। तो बच्चों को थोड़ा अर्ली खिला रहे हैं ताकि ट्रैवल में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा टाइम मिल जाए। जैसे हमेशा बोलते हैं, जब भी आप कोई रोड ट्रिप पे जा रहे हो या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो बच्चों को थोड़ा सा एक दो घंटा पहले खाना खिला दीजिएगा। निकलने से इमीडिएटली पहले खाना मत खिलाइएगा। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लोग भी निकलेंगे। ट्रिप के लिए इस विला में हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट पराठा
दम आलू एंड एग ऑमलेट. हाउ इज द पराठा? सॉफ्ट है. बंगाली पराठा. बंगाली. अच्छा, पापा को पराठा बहुत पसंद है. पापा घर पे ब्रेकफास्ट में कभी भी पराठा खाते हैं ना? कभी कभी, मतलब फ्रीक्वेंटली खाते हैं. बट पापा ट्रिप कैसा हुआ? काल के जो हम लोग खेल रहे थे ना, वो अच्छा था. हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा पता नहीं था कि कॉस्ट क्या होगा. हम लोग जो इतनी दिन खाने पीने हाँ जो किए, कॉस्ट क्या होगा पता नहीं था. और एक भी डिश का प्राइस हमने पूछा नहीं था. प्राइस हम लोग नहीं पूछा. तो हम लोग क्या किए, हर एक डिश मतलब कब क्या खाए वो लिस्ट किए, उसके बाद हर एक का ओपिनियन लिए कितना प्राइस. हर एक से बोल ही दिया. चिकन मील का कितना, फिश मील का कितना. तो चार लोग बैठे थे यहाँ पे राउंड टेबल में, चार लोग एक एक करके अपना बोली लगाए. फिर उसका हमने हर प्लेट का एवरेज कॉस्ट निकाला, चार लोगों का जो भी प्लस करके डिवाइड बाई फोर करके एवरेज कॉस्ट निकाला. तो चिकन थाली का एवरेज कॉस्ट सपोज 250 रुपीज आया एवरेज कॉस्ट. उस सारे एवरेजेस को हमने ऐड किया, ऐड करके हमको एक आइडिया हुआ कि टोटल कितना आ सकता है. फिर हमने इंडिविजुअल्स का जो भी प्रेडिक्शंस था, जो भी बोली लगाया था, उसको अलग से ऐड किया. तो देखा कि कितना किसका कितना नज़दीक है. तो सबसे कम बोली लगाया था इसने. इसने सोचा था सबसे कम पैसे में काम उतर जाएगा. मेरा ये था. ये था मतलब 40 रुपीस प्लेट, 50 रुपीस प्लेट. ये बोल टू रे कोलकाता नहीं है, तो थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए था. तो मैंने सोचा उसी बट टूरिस्ट प्लेस में ऐसा नहीं होता है. बट मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, मैं NRI हूँ, मैं बाहर और दूसरे कंट्री से आया हूँ. जो रेट मैंने देखा डबल हो गया. डबल ट्रिपल डबल मेरा जो था वो डबल हो गया. मैंने सोचा मेरा और कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ. लाडू हॉलीडे खत्म. हॉलीडे खत्म. खात्मा हो गया. खात्मा. चलो क्योंकि अभी पैर गंदा हो जाएगा, अभी चले जाओ. हाँ, 10:55 एंड हम लोग स्टार्ट करें हमारे जर्नी बैक टू कोलकाता. बहुत ही अच्छा रहा ये कुछ दिन. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट रिलैक्सिंग स्टे. अभी हम लोग यहाँ के जो केयरटेकर भैया है उनसे एक बार मिल लेंगे. उनको सब कुछ हमने हैंड ओवर कर दिया है, बस एक बार मिल लेंगे. होपफुली विल बी बैक टू दिस प्लेस वेरी वेरी सून. बुरा लग रहा है तुम लोगों को? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है. हॉलीडे खत्म हो जाती है फिर जॉब्स वगैरह ये सब का टेंशन आ जाता है. इस बार पता नहीं क्यों थोड़ा ज्यादा ही बुरा लग रहा है. तो चलो बाय बाय टूई बाबू यार बाशा. बस 44 किलोमीटर दूर है कोलकाता से. 1 घंटा 12 मिनट में पहुंचेंगे. 150 इज द टाइम राइट नाउ. तो फुली 4 बजे के अंदर हम पहुंच जाएंगे. और किसी को भी भूख नहीं लगा है क्योंकि हम सब 2-3 पराठा खा के निकले हैं. तो कोई बोल रहा है कि रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट घर चले जाएंगे. अरे फ्लडू आज दादू और बुम्बा को ब्लैकमेल किया है पीछे. और फ्लडू के डैडी ने कहा या तो तुम पीछे जाओ या तो फ्लडू को लेके आओ. मेरे यहाँ पे आके बैठी है और यहाँ से बाहर का व्यू भी एंजॉय कर रही है और सो भी रही है. और हमारी क्यू क्यू अभी उसको और जगह मिल गया है तो वहाँ पे सो रही है. क्यू का सोना थोड़ा ज़रूरी है. क्यू कार में बिल्कुल भी जग के ट्रैवल करना वो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए कार पे चढ़ के ही वो सो जाती है. कुट्टू कुट्टू बुढ़ी हाउ वाज योर हॉलीडे कुट्टू बुढ़ी को क्या चाहिए ना, इधर या तो मुझे फ्रंट में बिठा लो या तो मुझे गोदी में बिठा के विंडो दिखाओ. इसीलिए ब्लैकमेल कर दिए सबको. माँ ओ मामा सबने पकड़ लिया है तुम अपनी बदमाशी. तो पहुँच गए हम कलकत्ता. पापा को ड्रॉप कर रहे हैं
पापा गए हैं सामान लेके, पापा के साथ दीपांजन और प्रशंजित गया है, मैं यहाँ खड़ी हूँ फ्लरी कियारा के साथ। अब यहाँ से हम लोग न्यू टाउन जाएंगे, ठीक है, हमारे घर का। वाओ, घर का पद दो, स्थल पद दो। पापा को हमने ड्रॉप कर दिया कहीं पे, हम लोग लंच के लिए रुके नहीं डॉट फोर आवर्स में, एकदम फोर आवर्स, वन मिनट भी नहीं, डॉट फोर आवर्स में हम पहुंचे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से और एक घंटा न्यू टाउन पहुंचने में, फिर हम लोग भी घर जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पापा भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, फिर मैं पूछ रही थी पापा के पास मैगी ब्रेड कुछ है कि नहीं, पापा बोल रहे मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि मैं भी रात से पहले कुछ नहीं खाऊंगा। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड करती हूँ, होपफुली बहुत जल्दी हम लोग फिर से कहीं और ट्रिप में जाएंगे, क्या बोलते हो? बुम्बा को शायद नहीं लेके जा पाएंगे, क्यों? का अगले महीने थोड़ा काम है। अच्छा वो, अरे बाबा अगले महीने के बाद भी तो टाइम होगा ना, तो तब कभी जाएंगे। फ्लाडू, फ्लाडू बाय बाय करे दाओ, फ्लाडू एंड कियारा के तरफ से बाय बाय। आज बहुत परेशान किया है हमें। कोलकाता जब हम घुस रहे थे तो मैं फिर पीछे चली गई फ्लरी को लेके, बुम्बा सामने आ गया, तब फ्लरी और कियारा पीछे, तब भी बदमाशी कर रही थी, मतलब बैठना नहीं है, गोदी में चढ़ना है, या तो बैठना ही नहीं है या तो कार से उतार दो, अच्छा नहीं लग रहा है उनको। और ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर गाइस, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय बाय।